हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए साढ़े पाँच बज चुका है और मैं उठ के फ्रेश व्रेश हो चुकी हूँ और अब 40 मिनट नोट्स रिवीजन करने के बाद हम चले गए छत पे ताकि हम ताजी हवा ले सके। और यहाँ पता नहीं उस दिन की कौन सी कहानी हम आप लोगों को सुना रहे थे, एक्चुअली पानी का प्रॉब्लम हो गया था वही। पर ये देखिए पीछे मौसम कितना अच्छा है, अभी का जो ठंडी है ना बिहार में वो बहुत अच्छा रहता है। काश ऐसा ही ठंडी रहे, क्योंकि दिसंबर जनवरी में जो ठंडी आता है, जो ठंडी नहीं कोहरा कहते हैं, ऐसा कोहरा लगता है कि बस हम लोग तो फ्रीज ही हो आते हैं। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। तो 4-5 मिनट और ताजी हवा लेने के बाद मैं चली जाती हूँ कंप्यूटर क्लास, क्योंकि मैं उसी के लिए रेडी होती हूँ, सतुआ पीती हूँ और कंप्यूटर क्लास जाती हूँ। देखो मेरा कंप्यूटर क्लास दो टाइम होता है, एक होता है 11 बजे और एक होता है 6 बजे, क्योंकि मुझे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं जल्दी जल्दी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखनी है बहुत जल्दी जल्दी। तो मैं अब निकलूँगी कंप्यूटर क्लास के लिए और वहाँ मैं करूँगी इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग। पहले 10 मिनट में टाइपिंग का टेस्ट देती हूँ, फिर नेक्स्ट 20-30 मिनट्स मैं इंग्लिश टाइपिंग करती हूँ, अगले 20-30 मिनट्स मैं हिंदी टाइपिंग करती हूँ। और जो मैं 11 बजे जाती हूँ ना, उसमें कुछ नोट्स लिखती हूँ और फिर ऐसे ही 15 मिनट इंग्लिश टाइपिंग और 15 मिनट हिंदी टाइपिंग करती हूँ। हमारे जो सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं ही थोड़ी स्लो लर्नर हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं स्लो लर्नर हूँ, मुझे एक साथ इतनी सारी चीज़ें करनी होती है तो मैं कंप्यूटर को बहुत कम टाइम दे पाती हूँ। वैसे मैंने एक कीबोर्ड में फंसाने वाला एक लाई हूँ, ताकि मैं घर पे ही अपने टैब से और इससे कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर सकूँ। पर देखो वो यूज़ में आ पाता है कि नहीं। कीबोर्ड से अडेप्टर से लेकर फ़ोन में या टैब में आप टाइप कर सकते हैं बना के। तो अगर वो काम किया तो मैं घर पर रोज़ आधा एक घंटा रिवाइज कर लिया करूँगी, क्योंकि ये जो क्लास है कंप्यूटर का वो मैं चाहती हूँ कि मैं फरवरी तक ही करूँ, उसके बाद मैं छोड़ दूँ, क्योंकि बहुत परेशानी हो रहा है अभी। तो अब 40-50 मिनट कंप्यूटर क्लास करने के बाद मैं चली जाती हूँ ट्यूशन पढ़ाने। मेरी वो 9th क्लास की स्टूडेंट है, उसका नाम है सीटू, घर का नाम है, तो मैं ट्यूशन टीचर हूँ तो मैं उसे इसी नाम से बुलाती हूँ। और इसके बाद मैं आती हूँ घर और घर के कुछ काम करती हूँ, जैसे अभी मैं फिलहाल में ये आंवला का अचार बना रही हूँ जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और ये पता ही होना चाहिए आपको कि बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है। 2022 ऑरेंज जो है वो एक आंवला के इतने क्या बोलते हैं विटामिन सी रखते हैं। और अभी यहाँ ये हुआ था कि एक आंवला नीचे गिर गया था और नीचे जो बाबू रहता है वो उसके पीछे 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 भागा। देखिए आप लोग देखे, रिमाइंड करके देखे, आई थी जब खांसी, फिर मैंने इसे अच्छे से धूप में रखा। और ये इतना पीला लग रहा है इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हल्दी डाला है मैंने, हल्दी नमक डालते हैं इसमें। और अब मैं उसी आंवले को छत पे डालने आई हूँ और फिर से मैं आपको ये सुहावना नजारा दिखाती हूँ। तभी तो लाइट थोड़ा कम था, पर अभी 8:30 के आसपास बज रहा है, तो अभी तो मस्त सुहावना मौसम है। आप लोग देख लो, ये पूरा एरिया है जिसमें मैं रहती हूँ और ये बिहार है, और ये बिहार में एक बेनीपट्टी है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है। और हम लोग का जो गाँव है वो भी अब सिटी के अंदर आने लगा है, पता नहीं क्यों। वैसे ठीक है, सब अच्छा है, मैं यहाँ भाड़े पे रहती हूँ क्योंकि गांव में मेरे घर में इतना स्पेस नहीं है कि हम लोग ये सारा सामान रख सके। क्योंकि पहले हम लोग भाड़े पे रहते थे मधुबनी में। ओके, तो देखो अब मैं 9:30 बज चुके हैं, तो मैं अब खाना वाना सब खा के आई हूँ स्टडी करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी 9:07 हो गए हैं और मैं जा रही हूँ अपना नाश्ता करने, जो मैंने बनाया है पराठा भुजिया, और इसे खा के मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगी और मैं सीधा उठूंगी 11 बजे, 9 से 10, 10 से 11। पर बीच बीच में मैंने कुछ शॉर्ट्स भी किए हैं कि मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, पर वो सब मैं डिलीट करने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है। सॉरी गाइस, पर टाइम का इतना अभाव होने के बाद भी मैं आपको अपना किचन जरूर दिखा रहा हूँ। मैंने आपने मिर्ची डाल दी है और मिर्ची में टेस्ट बन जाता है क्योंकि मेरे किचन में दो दो लाइट लगे हुए हैं। अब यहीं से मैंने अगले 2 घंटे के लिए एकदम शांति से पढ़ाई शुरू कर दी थी और फिर मैं गई थी कंप्यूटर क्लास। और इन फ्यू मिनट बैक टू होम, मैं टोपी इसलिए पहन लेती हूँ कि मुझे सर्दी लगा हुआ है और सर बार बार पंखा चला देते हैं। अच्छा 12 बजे के आसपास निकले, 6-7 मिनट में पहुँच गए, जाम रहता है इसलिए, वरना अगर फास्ट चला के आए तो 3 मिनट में पहुँच सकते, लेकिन जाम बहुत लगता है, बैलगाड़ी तेलगाड़ी सब आया रहता है।
चलो 12 बजे ये मैं कंप्यूटर क्लास करके वापस आ रही हूँ और मुझे सर्दी हो गई है। मम्मी घर पे नहीं हो तुम, तो मेरा पूरा दिन व्लॉग करने का मन करता है क्योंकि अब मैं बिना टाइम गवाए करंट अफेयर के साथ अपना खाना बनाऊंगी, जो है चावल के साथ घी और पुलाव। और पहले मैं घी भात खाऊंगी और फिर जब मुझे एक बार और भूख लगेगा 2:30 बजे के पास, तो मैं उसका पुलाव बना के खाऊंगी और उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगी ताकि मैं अभी भी 2:30 घंटे निकाल सकूं अपने स्टडी के लिए। और उसके बाद मैं चली जाऊंगी टीचिंग करने, जो कि 2 टीचिंग का आपने क्लिप देख लिया है। लास्ट वाला जो ये लड़की है वो पीहू है और ये मेरे घर के पास ही रहती है, तो यहाँ से मुझे आने में मेबी 7 बजता है, उससे ज्यादा लेट नहीं होता। और फिर मैं कुछ नाश्ता वास्ता करके चूड़ा उड़ा या दूध मुढ़ी या दूध बिस्किट ऐसा कुछ करके मैं फिर से स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ। मैं भी 7:30 या कभी कभी 8 बजे भी बैठती हूँ। तो अगर मैं 7:30 बजे बैठती हूँ तो 9:30 बजे उठती हूँ, और अगर मैं 8 बजे बैठती हूँ तो 10 बजे उठती हूँ। ये कुछ ऐसा रहता है कि मुझे 2 घंटा तो पढ़ना ही है रात में, लेकिन मैं कितनी टायर्ड हूँ उस हिसाब से मैं अपना टाइम सेट कर लेती हूँ। अगर मैं ज़्यादा थकी हुई हूँ ना तो मैं सीधा पढ़ने के लिए बैठती हूँ, तब मैं फ़ोन यूज नहीं करती। लेकिन अब मैं ज़्यादा थकी हुई नहीं हूँ तो मैं अपने भैया से बात कर लेती हूँ या फ्रेंड से बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ ताकि मेरा टाइम मैनेजेबल रहे। और जिस दिन मैं ज़्यादा थकी रहती हूँ ना उस दिन मैं सो जाती हूँ पढ़ के 2 घंटा बस, और बाकी का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ।